नमः सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरां श्रुतिस्मृतिपुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। आज हम श्लोक क्रमांक 6 और 7 का पाठ करेंगे। राहु ग्रस्त दिवाकरेन्दु सदृशो माया समाच्छादनात् सन्मात्र करणोपसंहरणतो यो भूत सुषुप्त पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोध समये यप्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमइदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तःस्फुरन्तः सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमइदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमइदं श्रीदक्षिणामूर्तये। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में भगवान शंकराचार्य जी हमको परम तत्व का ज्ञान करा रहे हैं। अलग अलग विचार धारा के अलावा अलग अलग दृष्टांतों के द्वारा भी सत्य क्या है इसका हमको ज्ञान करा रहे हैं। 6वें श्लोक में हमने देखा कि भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं आत्मा सत रूप है और उसकी हमेशा प्रत्यभिज्ञा हमको होती है कि जो मैं था वही आज मैं हूं। 7वें श्लोक में भगवान शंकराचार्य जी ने उसी का विस्तार किया और कहा जितनी भी अवस्थाएं आती है बाल्यावस्था से लेके वृद्धावस्था पर्यंत जागृत से लेके सुषुप्ति तक समाधि तक और इसके अलावा सुख की अवस्था दुख की अवस्था उत्साह की अवस्था आशा और निराशा की परिस्थिति सर्वासु अवस्था सारी अवस्थाओं में हम देखते हैं कि एक चीज अबाधित अखंडित कूटस्थ नित्य वो रहती है। अवस्थाएं आपस में व्यावृत्त होती है, व्यावृत्त मतलब हटाती है। एक अवस्था आई तो पहली वाली अवस्था चली गई, दो अवस्था एक साथ नहीं रहती। लेकिन व्यावृत्तासु अनुवर्तमानमहम् इत्यन्तस्फुरन्तं सदा, लेकिन उसके बीच में अवस्थाओं में और अवस्थाओं के बीच में एक चैतन्य उसका कभी भी लोप नहीं होता। स्फुरन्तं सदा, वो चैतन्य किस रूप में स्फुरित होता है
तो बोले अहम अहम, मैं हूं। तो ये मैं की तो अनुवृत्ति है, मैं का तो अन्वय है और अवस्थाओं का व्यतिरेक है। और यहां जो अहम है, यहां अहम ही वास्तविक सत्ता है जिसके ऊपर ये अवस्थाओं का खेल चल रहा है, अवस्थाओं का नर्तन वर्तन हो रहा है। अब आश्चर्य की बात यह है कि हमारा अवस्थाओं में तो बहुत लगाव है, अवस्थाओं में बहुत तादात्म्य है और इन अवस्थाओं में हमको सुख मिलता है, तो पुनः पुनः उन अवस्थाओं का अनुभव हम करना चाहते हैं। लेकिन अवस्था या परिस्थिति ये कभी भी ज्यादा देर रहती नहीं, थोड़ी देर रहती है। हम चाहते हैं कि वो बनी रहे अनुकूल परिस्थिति, लेकिन वो रहती नहीं चाहे कितना भी हम प्रयत्न करें। तो यहां पर भगवान भाष्यकार कहते हैं कि देखो, परिस्थितियों में हम लोग जो सुख देख रहे हैं उसके बजाय हम ये देखें कि अपने में सुख है कि नहीं। क्यों परिस्थिति के गुलाम बने, क्यों परिस्थिति के पराधीन हुए? स्वाधीन सुख मिल जाए तो इससे बढ़िया बात क्या है। और ऐसा तो कहा है, पराधीन सपने वो सुख नाही। विषय के पराधीन, व्यक्ति के पराधीन, वस्तु के पराधीन होकर यदि हमको मजा मिल रहा है तो वो मजा तो फिर निर्भरता का मजा है। वो वस्तु यदि चली गई तो फिर हमको आनंद कैसे मिलेगा? जगत में भी देखा जाता है कि कोई व्यक्ति किसी पे निर्भर है, जब तक वो उसकी मैत्री है, उसका सपोर्ट है, तब तक तो आनंद है, मजा है। लेकिन एक दिन वो कहता है अब मैं चलता हूँ, बाय बाय, तो उस व्यक्ति के जाने के साथ हमारा आनंद भी उसके साथ चला जाता है। इसलिए यहां पर कहते हैं कि अपने भीतर भी आनंद है। अच्छा, लेकिन मालूम तो नहीं पड़ता। तो यहां पर एक शब्द दिया हुआ है, स्वात्मानं प्रकटी करोति। दक्षिणामूर्ति भगवान उस भीतर वाले आनंद को प्रकट कर देते हैं, भीतर वाले सत्य को प्रकट कर देते हैं। किसके लिए? भजताम। जो भजन करता है उसको ये बात पकड़ में आ जाती है, समझ में आ जाती है कि वास्तविक चीज तो आत्मा है। ये जो विषय में सुख मिल रहा है ये सब नकली है, डुप्लीकेट है। ओरिजिनल जो आनंद है मूल में, वो तो अहम है। कौन बताता है ये? तो बोले सद्गुरु दक्षिणामूर्ति भगवान। किसको बताते हैं? तो बोले जो भजन करते हैं उनके लिए प्रकट हो जाता है। तो देखिए, यहां भजन का अर्थ क्या है? भजन का अर्थ है साधना। भजन का अर्थ केवल शब्दों को गाना नहीं है। आप यदि साधु समाज में जाएं तो साधु समाज में एक साधु दूसरे से पूछते हैं, आपका भजन कैसे चल रहा है, भजन ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं। तो भजन मतलब जप ठीक से हो रहा है कि नहीं, ध्यान ठीक से हो रहा है कि नहीं, पूजा ठीक से कर पा रहे हो कि नहीं। तो जिसका पूरा जीवन साधनामय है, आप कह सकते हैं कि वो क्या कर रहा है? भजन कर रहा है। सततम कीर्तयंतो माम, गीता में लिखते हैं, सतत सतत कीर्तन कर रहा है। भजन या साधना से हमको धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगती है
कि विषय में ही सुख है ये पूरा सच नहीं है, विषय निरपेक्ष भी सुख है। क्योंकि देखिए जितनी ये साधना है, ये साधना है एक काम करती है, ध्यान से सुनना, हमको जो है निवृत्त करती है, प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर ले जाती है, विषय से निर्विषयता की ओर ले जाती है, और एक नई डिस्कवरी होती है, नई हम एक खोज कर लेते हैं कि अरे किसी विषय का भोग हो नहीं रहा है लेकिन मजा आ रहा है, पूजा करने में मजा आ रहा है, लोग घंटों घंटों पूजा करते हैं, अब वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या देख रहे हैं, जगत की कोई चीज नहीं देख रहे, भगवान के साथ बैठे हैं। तो पूजा से क्या हुआ, हम निवृत्त हो गए, जो इंद्रियों की बहिर्मुखता है वो कम हो गई, ईश्वरोन्मुखी हो गई सारी इंद्रियां। तो जैसे ही निवृत्ति हुई, यदि देखिए निवृत्ति में दुख ही होता तो कोई भी व्यक्ति साधु सन्यासी महात्मा बनता नहीं, क्योंकि उनके जीवन में एक भी विषय नहीं है। वेदांत वाक्येषु सदा रमंत, फिर भी वो रमते हैं तो बोले किसमें, उनका आनंद का स्रोत क्या है, बोले वेदांत वाक्य। अशोकवंत करुणैकवंत, शोक जिनके जीवन में है ही नहीं, कौपीनवंत खलु भाग्यवंत, वस्त्र के नाम पे भी केवल कौपीन है। तो विषय ही सुख का सोर्स है, ये बात अर्ध सत्य है, या थोड़ा और सही बोल दे तो बिल्कुल गलत है, एकदम समझ में आता नहीं ये, लेकिन है यही। तो कहते हैं जो भजताम, जो भजन करने वाले हैं उनको धीरे धीरे ये बात स्पष्ट होने लगती है। अब जैसे कोई जप कर रहा है तो जप में भी वो निवृत्त हो गया कि नहीं, न किसी से बोल रहा है न किसी की ओर देख रहा है, उसका मन अंतर्मुखी हो गया है। अच्छा, जप में भी उसको रस मिल रहा है, फिर से वही तर्क है, यदि जप में रस नहीं होता तो वाल्मीकि ऋषि इतने वर्षों तक जप क्यों करते, ध्रुव महाराज उन्होंने बहुत जप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो साधना हमको परावृत्त करती है संसार से। अच्छा, निवृत्ति में सुख है, मतलब जितना आप गहराई में जाएंगे उतना सुख बढ़ते जाएगा। आपने केवल किसी से बोलना बंद कर दिया और केवल भगवान का नाम ले रहे हैं तो उसी में सुख आ गया, अभी केवल थोड़े से ही हम भीतर गए। अच्छा, प्राणायाम करते हैं लोग तो प्राणायाम भी व्यक्ति को निवृत्त ही करता है। हम कुछ देखते नहीं है, कुछ सुनते नहीं है, पूरा ध्यान कहाँ होता है, प्राणों पर। प्राणायाम में भी आनंद आता ही है, मन शांत हो जाता है। आप कोई भी साधना उठा लीजिए, साधना का स्वरूप अलग अलग होगा लेकिन सारी साधना एक काम करती है, हमको अपनी ओर ले चलती है। कर्मयोग में आप देखिए, कर्मयोग जब हम करते हैं तो फलाग्रह की निवृत्ति होती है, मुझको इतना ही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, सामान्य व्यक्ति फलासक्त होता है। लेकिन जो कर्मयोगी होता है उसको कर्म करने में ही आनंद आता है, फल से वो निवृत्त हो जाता है, फल मिले तो ठीक नहीं तो ठीक, हम है राज उसमें जिसमें रजा तेरी है। अब हो गया ना, मन निवृत्त हो गया, नहीं तो पूरा ध्यान फल के ऊपर ही, कब मिल रहा है फल, कितना मिल रहा है, इतना मिला कि नहीं, तो उसके कारण मन अशांत रहता है। तो ये साधना का परिणाम है।
भक्ति योग भी आप देखिए, कोई भी ध्यान धारणा जप तप, तो ये है भजन। और ये भजन करने से क्या होगा, अंतरंग की ओर अपनी यात्रा होगी और वहां प्रकटी करोति, वहां जो आत्म सुख है, आत्मानंद है, वो वहां गुरु की कृपा से प्रकट हो जाता है। और केवल आनंद ही नहीं बल्कि क्या, एकत्व का ज्ञान हो जाता है। इसलिए लिखते हैं स्वात्मानं प्रकटी करोति भजतां यो मुद्रया भद्रया। पिछले सत्संग में हमने देखा था मुद्रा के द्वारा वो एकत्व का ज्ञान करा देते हैं, चिन मुद्रा, जीव और ब्रह्म इनमें भेद नहीं है। तो अवस्थाओं में क्षणिक सुख है, उससे धीरे 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 अंतर्मुखी होकर हम अंतर यात्रा करें तो वहां सत्य का ज्ञान स्पष्ट हो जाता है। जो ये कराता है बोले वो कौन है, तस्मै श्री गुरु मूर्तये नमइदं श्री दक्षिणामूर्तये। भगवान दक्षिणामूर्ति ही हाँ इस सत्य को उद्घाटित कर देते हैं, प्रकट कर देते हैं, जीव ब्रह्मैक्य बोध करा देते हैं। इस तरह बहुत ही सुंदर यह श्लोक हुआ। अब आगे बताते हैं कि यही दक्षिणामूर्ति भगवान का एक दूसरा रूप भी है। पहले श्लोक पढ़ते हैं फिर उसका अर्थ देखते हैं। विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामी संबंधतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृ पुत्राध्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमइदं श्री दक्षिणामूर्तये। विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामी संबंधतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राध्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुष माया परिभ्रामितः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमइदं श्री दक्षिणामूर्तये। उस दक्षिणामूर्ति भगवान को प्रणाम है। बोले कौन से दक्षिणामूर्ति भगवान, अब यहां बहुत ही अद्भुत वर्णन है, आपको शायद झटका भी लगेगा, शॉक लगेगा कि यहां दक्षिणामूर्ति भगवान को क्या कहा जा रहा है। तो बोले ऐसे दक्षिणामूर्ति भगवान को प्रणाम जो परिभ्रामित, जो भ्रमित है, जो मोहित है, हो ऐसे भ्रमित मोहित दक्षिणामूर्ति भगवान को प्रणाम। अब है नहीं आश्चर्यजनक, अभी तक हमने जो 7 श्लोक देखे उनमें तो दक्षिणामूर्ति भगवान को हमेशा ही हाईएस्ट पेडेस्टल पर, सर्वोच्च स्थान में हमने देखा। पहले श्लोक में बताया है कि दक्षिणामूर्ति भगवान ब्रह्मज्ञानी है, वही दक्षिणामूर्ति भगवान दूसरे श्लोक में बताया उनके बारे में ईश्वर है, वही दक्षिणामूर्ति भगवान सतरूप से, वही दक्षिणामूर्ति भगवान सद्गुरु है, तीसरे श्लोक में साक्षात तत्वमसि, तत्वमसि महावाक्य के द्वारा जो ज्ञान कराते हैं गुरु रूप है, चौथे श्लोक में वही दक्षिणामूर्ति भगवान चैतन्य है, नाना छिद्र घटोधर स्थित महा, इसमें हमने देखा था जैसे घड़े के भीतर दीपक रहता है और उसका प्रकाश की किरणें सब बाहर निकलती है, ऐसे ही चैतन्य की किरणें सारे इंद्रियों के द्वारा बाहर निकलती है और हमको जगत का ज्ञान होता है, तो चिद रूपता का वर्णन है। ऐसे ही 5वें श्लोक में हमने देखा कि दक्षिणामूर्ति भगवान
कहते हैं कि जो लोग भ्रमित हैं, जो देह प्राण इंद्रिय मन को ही अहम मानते हैं, बोले उनको अपना भ्रम दूर करना चाहिए। और ये दूर करने वाले कौन है? तो माया शक्ति विलास कल्पित महाव्यामोह संहारिणे तस्मै श्री। जो व्यामोह को हटाते हैं, भ्रांतियों को हटाते हैं, वो है दक्षिणामूर्ति। फिर छठे श्लोक में हमने देखा कि दक्षिणामूर्ति भगवान अखंड सत्ता है, अविनाशी सत्ता है, तीनों अवस्थाओं में जो रहती है। फिर सातवें श्लोक में अभी हमने देखा कि दक्षिणामूर्ति भगवान अपने भीतर के आत्मरूप, आत्मा का जो वैभव है, आत्मा की जो महिमा है, उसको प्रकट करते हैं चिन्ह मुद्रा के द्वारा। तो हर श्लोक में दक्षिणामूर्ति भगवान को ऊंचा स्थान दिया। लेकिन अब यहां पे क्या कहते हैं? स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषो माया परिभ्रामित। मतलब दक्षिणामूर्ति भगवान को प्रणाम, जो कि माया के द्वारा भ्रमित है। अब बोले ये क्या अर्थ है? तो देखिए अब यहां इसको थोड़ा सुनिए। तीसरे पंक्ति में कहा एष पुरुषः, पुरुषः, पुरुष मतलब जो पूर्ण है, परब्रह्म है, परमात्मा है। वही परमात्मा जो सृष्टि के पहले था, ध्यान से सुनना, जो कि पूर्ण था, उसी पूर्ण परमात्मा से पूरी सृष्टि व्यक्त हुई। और वही पुरुष शरीर के भीतर प्रविष्ट हो गया। ये तैत्तरीय उपनिषद में आता है। तदेवानुप्राविशत, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। उसने सारे शरीर बनाए और वही प्रविष्ट हो गया। और जब वो प्रविष्ट हो गया तो उसका नाम पड़ गया जीव। और यही पंचदशीकार ने भी, विद्यारण्य स्वामी जी जो है, उन्होंने पंचदशी में भी बताया है, ईक्षणादि प्रवेशांता सृष्टि रीशेन कल्पिता। भगवान ने ईक्षण किया, संकल्प किया, मैं सृष्टि बनाऊं, सब कुछ बनाया और वो प्रविष्ट हो गए। तो बोले यहां तक तो ईश्वर की सृष्टि हुई। और जहां ईश्वर इस शरीर में प्रविष्ट हो गए, अब वो बन गए जीव। अब ये जीव ने फिर अपनी सृष्टि की। जाग्रदादि विमोक्षांता, अब जाग्रत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, इसका वो अनुभव करने लगा, बंधन का अनुभव करने लगा। तो वही परमात्मा, ध्यान से सुनना, वही आज कौन बन गया? जीवात्मा। क्योंकि देखिए अद्वैत वेदांत के अनुसार ये दो अलग अलग सत्ताएं नहीं हैं, एक ही सत है। अब वो ये शरीर आदि की उपाधि के कारण क्या बन गया? जीव। एक ही अनेक हो गया। जैसे हम किसी कमरे में प्रवेश करते हैं और वहां 10 आईने लगे हो, तो हम प्रवेश करते ही 10 जगह हमारा प्रवेश हो जाता है, 10 आईनों में। हम होते एक ही है लेकिन 10 रूप में दिखते हैं। ऐसे ही पुरुष जो है, जो कि पूर्ण परमात्मा है, वो क्या हो गया? जीव भाव को प्राप्त हो गया। अच्छा, अब जीव भाव को प्राप्त हो गया तो अब उसका लक्षण क्या है? जीव का लक्षण तुलसीदास जी ने बताया, जो दुखी है, परवश है, पराधीन है, बंधन में है, जो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, वो है जीव। और ये सब क्यों हो रहा है? माया परिभ्रामितः, जीव जो है माया के अधीन हो गया। ईश्वर और जीव में फर्क है, ईश्वर माया का स्वामी है, माया को लेकर सृष्टि करता है, लेकिन जब वो जीव के रूप में आ जाता है तो फिर माया हावी हो जाती है। तो माया परिभ्रामितः,
अच्छा अब वो जीव क्या कर रहा है, तो बोले स्वप्ने जागृति वा एष पुरुषः, स्वप्नावस्था में अलग अलग सपने देख रहा है, जैसे संस्कार वो जागृत में एकत्रित करता है उसके अनुसार सपना देखता है, उठता है तो फिर जागृत में भी तरह तरह के भोग भोगता है, कर्म करता है, और ये स्वप्न और जागृत दोनों अवस्था में वो भ्रमित है। सुषुप्ति में तो भ्रम वगैरह नहीं है, सोया है इसलिए सुषुप्ति का नाम नहीं दिया। स्वप्न और जागृत में वो भ्रमित है, भ्रमित का मतलब जो सत्य है वो सत्य को नहीं देख रहा है, भ्रम उसी को कहते हैं ना, जिसमें भ्रम है उसको कहेंगे भ्रमितः। तो अब ऐसी है जीव की स्थिति हुई। अच्छा और अब पहली पंक्ति में देखिए, जीव ने इतने सारे संबंध बना लिए और वो संबंधों को ही सत्य मानने लगा, वास्तव में संबंध तात्कालिक होते हैं, परिस्थिति जन्य होते हैं, काल में पैदा होते हैं और काल में मर भी जाते हैं। तो ऐसे अनेक संबंध, संबंध को अंग्रेजी में कहते हैं रिलेशनशिप, और संबंधियों को कहते हैं रिलेटिव्स। तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि जगत में सब चीज रिलेटिव है, आपेक्षिक है, सारे संबंधी आपेक्षिक है, जन्म से थोड़ी वो संबंध बना हुआ था। तो यहां पर जो जीव भ्रमित है, देखो उसकी दृष्टि क्या है, जगत को लेके, स्वयं को लेके, तो कहते हैं इसने अलग अलग संबंध बना लिए और ये संबंध वास्तविक नहीं है लेकिन उसको सत्य लगते हैं। बोले कौन कौन से हैं, तो सुनिए, विश्वम पश्यति कार्य कारणतया। सबसे पहला जो संबंध है वो है कार्य कारण, कॉज एंड इफेक्ट। यदि परिणाम है तो कुछ ना कुछ उसका कारण होगा। तो ये हमने एक इसको पक्का मान लिया है कि पूरे जगत में क्या है, कार्य कारण का संबंध है। यहां तक कि वैज्ञानिक लोग भी कार्य कारण को मानते हैं। सत्य तो बात यह है कि जितने भी उन्होंने आविष्कार किए हैं वो आविष्कार इस कार्य कारण के संबंध का अध्ययन करके ही किए। कारण खोज करते चले गए और बस नई नई चीज उनको मालूम पड़ती चली गई। कॉज हंटिंग इज द ऑक्यूपेशन ऑफ ह्यूमन माइंड, ऐसा कहते हैं। कारण की खोज करना ये मनुष्य के बुद्धि का काम है। और जो वैज्ञानिक लोग होते हैं उनकी तो बुद्धि बहुत ही सूक्ष्म होती है, तो वो लोग कारण ढूंढते हैं और फिर उस कारण का उपयोग करके नई नई चीज बनाते हैं। तो एक ये संबंध है कार्य कारण। बीज बोते हैं तो फल आता है, अच्छा ये कार्य कारण। दूसरा बताते हैं स्वस्वामी संबंधतः। जगत में एक संबंध हम देखते हैं मालिक और सेवक का, मैं तो सेवक हूं, हाँ मैं तो गुलाम हूं, आप कौन है, स्वामी है, मालक है, मालिक है, तो ये एक संबंध है। अच्छा तीसरा क्या संबंध है, शिष्याचार्य, शिष्य और आचार्य का संबंध है, गुरु और शिष्य का संबंध। अब इसी में आप लगा सकते हैं उपास्य और उपासक का संबंध, भगवान और भक्त का संबंध। तो ये तीसरा संबंध हुआ। और चौथा क्या है, पितृपुत्रादि आत्मना भेदतः। चौथा संबंध है पिता और पुत्र का, मैं पुत्र हूं आप पिता हैं। तो ये चार तरह के संबंध वो जीव अनुभव करता है, कार्य कारण, पिता पुत्र, गुरु शिष्य,
और मालिक और नौकर। और यहां क्या लिख रहे हैं, ये चारों के चारों संबंध भ्रम है। ध्यान से सुन ला, इसलिए मैंने कहा ये जरा समझने में कठिन है। गुरु शिष्य संबंध भ्रम है, कार्य कारण भ्रम है, पिता पुत्र वास्तविक नहीं है, मालिक और सेवक भ्रम से सब उत्पन्न संबंध है। और चूंकि इन संबंधों को उसने इतना क्या कहते हैं महत्व दिया, इतना उसमें उसकी शोभन बुद्धि है, सत्य बुद्धि है, कि उसको लगता है बस यही पक्का है। लेकिन यहां शंकराचार्य जी कहते हैं ये व्यक्ति तो अज्ञानी है। और ये अज्ञानी कौन है, वही दक्षिणामूर्ति भगवान है ना, विलक्षण, वही परमात्मा जीव बन गया, जीव भाव को प्राप्त हो गया, अज्ञान ग्रस्त हो गया, इन संबंधों को उसने सत्य मान लिया। अच्छा, और ये संबंध देखता कहाँ है, तो बिल्कुल पहला शब्द देखिए, विश्वम पश्यति, विश्व में देखता है। अच्छा, विश्व मतलब क्या, विश्व मतलब ये जगत, और विश्व का संस्कृत में शाब्दिक अर्थ होता है विविधम श्वयति, और श्वयति का अर्थ होता है गच्छति, चलती, जो विविध रूप से चल रहा है उसको कहते हैं विश्व, जो चलायमान है, नर्तमान है। इसलिए विश्व इज नॉट ए स्टैग्नेंट थिंग, इसलिए मूविंग है, गतिमान। आप देखते हैं इस जगत में परिवर्तन होते रहता है, होते रहता है, इतना हम ध्यान देते नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा जब परिवर्तन हो जाता है तब कहते हैं अरे कितना बदल गया है। लेकिन धीरे 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 वो परिवर्तन होते ही रहता है, कुछ परिवर्तन अनुकूल होता है, कुछ प्रतिकूल होता है। जब अनुकूल, इसको देखो संस्कृत में कहते हैं विकार, परिवर्तन को कहते हैं विकार, जब अनुकूल परिवर्तन होता है तो उसको कहते हैं हम संस्कार, प्रतिकूल परिवर्तन को बोल देते हैं विकार। जैसे षोडश संस्कार बताया ना, अपने शरीर में परिवर्तन होता है तो एक एक विधि की जाती है, उसको कहते हैं षोडश संस्कार, तो अच्छे के लिए होता है। अच्छा, जब परिवर्तन नकारात्मक होता है तो उसको बोल देते हैं विकार, क्रोध आया, ईर्ष्या, ये भी मन बदल गया, मन की पहली जो स्थिति थी उससे बदली, लेकिन चूंकि वह नेगेटिव थी तो क्या बोल दिया, विकार, दुर्गुण। तो सकारात्मक नकारात्मक ये सतत क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। शरीर में भी आप देखिए, शरीर अपना बदल रहा है, शैशव से कुमार अवस्था, कुमार से फिर युवा अवस्था, युवा से प्रौढ़ अवस्था, प्रौढ़ से वृद्धा अवस्था। अब इसको कोई सकारात्मक नहीं बोलता क्या, सब लोग क्या बोलते हैं, बोले धीरे धीरे मैं मृत्यु के निकट जा रहा हूँ, धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा हूँ। तो अपने भीतर भी सकारात्मक नकारात्मक परिवर्तन होते रहते हैं, पूर्व रूप का त्याग और नए रूप का ग्रहण, यही इस दुनिया का सत्य है, जगत का सत्य है। तो ऐसे इस परिवर्तनशील जगत में विश्वम पश्यति कार्य कारणतया, वह जो जीव है वह तरह तरह के संबंधों को देखता है। वास्तव में यहाँ पे जिसको दक्षिणामूर्ति कहा है वो हम लोग ही है, यह हमारा ही वर्णन है, वही परमात्मा जीवात्मा बना है।
तो इस भ्रमित अवस्था में भी हमको जानना चाहिए कि ये वास्तव में वही है। जैसे कोई राजा है और राजा ने यदि नशा कर लिया है तो भी देखिए प्रजा जो है उसको प्रणाम ही करेगी, क्योंकि उसको मालूम है कि ये वही राजा है। थोड़ी देर के बाद नशा उतर जाएगा तो फिर वही हमारे महाराज है। तो भ्रमित अवस्था में भी वही है। तो भ्रमित अवस्था में ही ईश्वर कौन है? जीव बना हुआ है। इसलिए कहते हैं कि य एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्री गुरु मूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणा मूर्तये। अब ये चार प्रकार के संबंध भ्रम है ये आप बोल रहे हैं, इसका जरा वर्णन कीजिए। तो अब वो हम देखेंगे अगले कक्षा में, उसका विस्तार करके क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर शंकराचार्य जी, वो हम देखेंगे। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओं श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम्।